round of applause to the Honorable Home Minister and the first ever Cooperative Minister, Shri Amit Bhai Shah. आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, महाराष्ट्र शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री श्री दिलीप वालसे पाटिल जी, मेरे मित्र और महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, मुंबई के ही विधायक और महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट के और इनोवेशन के मंत्री श्री मंगल प्रताप लोढ़ा जी, कुलपति महोदय डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी जी, सहकार भारती के अध्यक्ष श्री दीनानाथ ठाकुर जी, महामंत्री सहकार भारती डॉक्टर उदय जोशी जी और उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मेरे लिए एक प्रकार से सौभाग्य का विषय है कि इस देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक ऐसे मुंबई विश्वविद्यालय में श्रीमान लक्ष्मणराव इनामदार स्मृति व्याख्यान में मैं सहकारिता विषय पर आप सबके साथ बात करने के लिए आया। सबसे पहले तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि यहां पर लक्ष्मण राव जी के नाम से एक पीठ स्थापित की गई है जो उनके काम को और विचारों को इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के माध्यम से युगों तक आगे ले जाने का काम करेगी। मैंने वकील साहब के साथ बहुत काम नहीं किया है क्योंकि मैं जब कार्यकर्ता बना तब उनका कार्यक्षेत्र गुजरात के बाहर क्षेत्रीय कार्यक्षेत्र हो चुका था और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, परंतु मैं गुजरात से आता हूं, अनेक कार्यकर्ताओं को जानता हूं जिन्होंने सालों तक लक्ष्मण राव इनामदार के साथ काम किया है, वकील साहब के साथ काम किया है। एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता ने इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया था कि लक्ष्मण राव जी पारस मणि जैसे होते थे, सिर्फ लोहे के पास जाकर उसको स्पर्श करना होता था, सोने जैसा कार्यकर्ता बनकर वो अपने आप ही बाहर आ गया। महाराष्ट्र में जन्मे, गुजरात को कर्मभूमि बनाया, पूरा जीवन गुजरात के हर तहसील, हर गांव के अंदर, छोटे छोटे कस्बों के अंदर युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने, कई क्षेत्रों के कई बड़े नेता और कार्यकर्ताओं का सृजन करने का सौभाग्य लक्ष्मण राव इनामदार जी को मिला। गुजरात के सार्वजनिक जीवन में जो सुचिता आज हम देख रहे हैं, उनके घड़े हुए, उनके तैयार किए हुए अनेकानेक कार्यकर्ताओं ने उनके दिए संस्कारों के आधार पर गुजरात के सार्वजनिक जीवन को महिमा मंडित करने का काम किया है। और इसीलिए मैं मानता हूं, मैं तो गुजरात से ही आता हूं, गुजरात का सार्वजनिक जीवन
आज सुचिता से युक्त है, इसमें वकील साहब का बहुत बड़ा भारी योगदान है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जब उनको सहकारिता क्षेत्र का काम दिया गया, सहकार भारती की स्थापना हुई, उस वक्त उनका सहकारिता से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं था। देश भर के सहकारिता क्षेत्र के प्रमुख नेताओं में आज लक्ष्मण राव जी को सभी लोग आदर के साथ याद करते हैं, मगर सभी नेताओं में स्वयं लक्ष्मण राव अकेले एक ऐसा नेता थे जो किसी भी सहकारिता समिति के ना सदस्य थे ना पदाधिकारी थे, फिर भी सहकारिता क्षेत्र में उनका योगदान बहुत बड़ा था। एक भी सहकारिता समिति में वो सदस्य नहीं थे, एक भी सहकारिता समिति में वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, मगर सहकार का तत्व, सहकार के सिद्धांत और सहकार के क्षेत्र के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं उसको, सत्व को जागृत करते हुए किस तरह से दूर करना, इसके लिए अंतिम सांस तक सरकार भारती के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने काम किया। और इसका ही नतीजा है कि आज सहकार भारती एक अलग आयाम के साथ यहां खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। वकील साहब वैसे तो पुणे के पास के खटाव गांव में जन्मे, पढ़ाई लिखाई भी महाराष्ट्र में ही हुई, मगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ जीवन कैसे जी सकता है और जीता है तो किस प्रकार की सुगंध की निर्मिति करता है उसको देखना है तो आप गुजरात में चले जाइए और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों से वकील साहब के बारे में पूछिए तो वो बताएंगे कि वकील साहब का योगदान कितना बड़ा है। उन्होंने अनेक लोगों के जीवन में जीवन का उद्देश्य भी दिया, उद्देश्य को प्राप्त करने का हौसला भी दिया और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सच्ची राह से कभी भी चलित नहीं होने का साहस भी लक्ष्मण राव इनामदार ने दिया। और इसके कारण ही वकील साहब आज मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता के लिए न केवल श्रद्धेय हैं, इनके जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आज इस अवसर पर मनपूर्वक वकील साहब के सहकारिता क्षेत्र में और वकील साहब के कार्यकर्ता घड़ने में, जो सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को घड़ने में जो योगदान रहा है, इसको मनपूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर मुझे बताया गया कि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे अग्रणी लोग यहां पर उपस्थित है, शिक्षाविद भी है, नीति निर्धारण करने वाले लोग भी हैं। मैं आज यहां पर सहकारिता के बारे में बात करने आया हूं। भारत में सहकारिता आंदोलन कोई नया नहीं है, ১৯০৪ से ही भारत में सहकारिता आंदोलन, इससे भी पुराना है, मगर कानूनी स्वरूप उसका 1904 से आया। देखते देखते महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य भारत, तमिलनाडु और बंगाल में सहकारिता आंदोलन फैलने लगा। काफी हद तक आजादी के बाद शुरुआत के समय में सहकारिता आंदोलन ने एक बीच का मॉडल देने का प्रयास किया, एक ठेठ राइटिस्ट मॉडल था, कैपिटलिस्ट मॉडल था और एक सोशलिस्ट मॉडल था। इसके बीच में एक मॉडल देने का बहुत अच्छा प्रयास सहकारिता ने किया।
ये जो दो मॉडल थे, सोशलिस्ट मॉडल और कैपिटलिस्ट मॉडल, उसमें स्टेट और मार्केट की कल्पना थी, सहकारिता मॉडल के अंदर कोऑपरेशन की और सबके भले की कल्पना लेकर आगे बढ़ने का विचार था। शुरुआत के दिनों में महाराष्ट्र के विखे पाटिल, धनंजय राव गाड़गिल, वेंकुटभाई मेहता, त्रिभुवनदास पटेल, ढेर सारे लोगों ने सहकारिता के क्षेत्र को एक नई दिशा और नए संस्कार देने का काम किया और इसके कारण कई प्रकार के उत्कृष्ट मॉडल इस देश के अंदर कोऑपरेटिव के खड़े हुए और विशेषकर ग्रामीण विकास और कृषि विकास का एक बहुत बड़ा जरिया सहकारिता क्षेत्र बना। परंतु 1960 और विशेषकर 1967 के बाद सहकारिता क्षेत्र के अंदर राजनीतिक दखल बढ़ने लगी और धीरे 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 देश के अर्थतंत्र को भी एक अलग प्रकार के झटके भी लगे, झुकाव भी आया और इसके कारण सहकारिता आंदोलन की बड़ी क्षति हुई। और सहकारिता आंदोलन आज भी हम देखते हैं कि कई ऐसे बड़े संस्थान जो दुनिया की सबसे अच्छी ब्रांड मानी जाती है, ऐसे संस्थान सहकारिता के मॉडल पर चलते हैं। आप, मैं इस सभागार में कहूंगा तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि हमारे यहां श्वेत क्रांति का सहकार का जो मॉडल श्री त्रिभुवन भाई पटेल ने 100 रुपये की पूंजी से और 12 बहनों के साथ शुरू किया था, वो मॉडल आज 36 लाख बहनों को जोड़कर, 20,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव्स को जोड़कर सालाना 60,000 करोड़ का व्यापार करता है और मुनाफा पूरा का पूरा वो बहन के अकाउंट में जाता है। 60,000 करोड़ का दूध का व्यापार अमूल के ब्रांड से 36 लाख बहनें करती है और एक भी बहन की पूंजी इसके अंदर 100 रुपये से ज्यादा नहीं लगी है। विश्व भर में ऐसा उदाहरण शायद ही मिलेगा कि 100 रुपये की पूंजी से कोई बहन लाखों रुपये का दूध बेचकर अपना घर चलाने का काम कर रही है। गुजरात की समृद्धि में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि में एक कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इपको, क्रिपको, शुरुआती दिनों में लिज्जत पापड़, लगभग 40,000 बहनों ने लिज्जत पापड़ बनाए और 130 देश के लोगों ने इसको खाए भी। एक कोऑपरेटिव मॉडल की ताकत थी कि 40,000 बहनों तक इसका मुनाफा जाता था। परंतु ये कोऑपरेटिव मॉडल जो हमारे देश के लिए बहुत उपयुक्त था, हमारे देश में आर्थिक विकास तो चाहिए ही चाहिए, साथ में सबके लिए रोजगारी भी चाहिए, मास प्रोडक्शन चाहिए और प्रोडक्शन बाय मासिस भी चाहिए। मास प्रोडक्शन से देश के अर्थतंत्र को गति मिलेगी और प्रोडक्शन बाय मासिस से देश के हर व्यक्ति को रोजगारी मिलेगी, हर व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करने का जरिया बनेगा। तो सहकारिता क्षेत्र और देश के अर्थतंत्र के अंदर बाकी सारे माध्यमों से आगे बढ़ने की ललक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही भारत को आगे बढ़ा सकता है। और सहकारिता का मॉडल मानव केंद्रित मॉडल है। मित्रों, आज देश में 30 करोड़ सदस्यों के साथ 8.5 लाख कोऑपरेटिव समितियां हैं, 93,000 पैक्स हैं, 2 लाख दुग्ध समिति है और इपको, क्रिपको, अमूल, ढेर सारी ऐसी सहकारी संस्थाएं हैं जिन्होंने समग्र विश्व के अंदर नाम प्राप्त किया है। हमारे 12 कोऑपरेटिव बैंक्स, 300
फर्स्ट रैंक वाली कोऑपरेटिव समितियों में विश्व की स्थान रखते हैं। अभी अभी एकनाथ जी ने जिक्र किया कि मोदी जी ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को कृषि डिपार्टमेंट से अलग करकर एक स्वतंत्र विभाग बनाया। बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि अब कोऑपरेटिव कालबाह्य हो गया, इरिलेवेंट हो गया है, परंतु उसी समय मोदी जी ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को अलग डिपार्टमेंट बनाकर कोऑपरेटिव मूवमेंट में एक नई जान डालने का काम किया है और फिर से उसको गति देने का काम। मैं थोड़ा इसके पीछे की मंशा के बारे में बात करना चाहता हूं। 2014 से 2023 तक नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ लोग जो देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े ही नहीं थे, आप कहोगे कि किस तरह की बात भारत सरकार के मंत्री कर रहे हैं, मगर मैं सच बोल रहा हूं, 2014 तक इस देश के 60 करोड़ लोग देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े ही नहीं थे, क्योंकि 60 करोड़ लोगों के पास परिवार में, खुद का छोड़ो, परिवार में एक भी बैंक अकाउंट ही नहीं था। तो एक प्रकार से इनफॉर्मल इकोनॉमी के तहत वो जीते थे, कुछ कमा लेते थे, खर्च कर देते थे, खाते थे, आगे का भगवान जाने। ना इनके जीवन में कोई सुरक्षा थी, ना स्थिरता थी, ना स्वप्न थे। ये 60 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 9 साल के अंदर बैंक अकाउंट दिया, खुद का घर दिया, घर में पीने का पानी दिया, घर में बिजली दी, घर में गैस दिया, घर में शौचालय दिया, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त देकर उसको खाने की चिंता से मुक्त कर दिया। ये 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और अचानक ही ये 60 करोड़ लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पीढ़ियों से जिनका जीवन कल मैं क्या खाऊंगा उसमें बीतता था, आज उसकी खाने की चिंता समाप्त हो गई। उसका जीवन मैं कहां रहूंगा इसमें बीतता था, इसकी रहने की चिंता समाप्त हो गई। उसके घर में गैस बिजली आ गया, शौचालय आ गया, स्वास्थ्य की चिंता भी समाप्त हो गई। अब वो क्या करे, बैंक अकाउंट मिल गया, अर्थतंत्र के साथ जुड़ गया, और ये 60 करोड़ लोग अब देश के विकास के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, योगदान करना चाहते हैं, मगर पूंजी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो योगदान कैसे करेंगे? इनके पास पूंजी नहीं है, परंतु पहले जो खाने पीने में पैसे जाते थे, दवाइयों में पैसे जाते थे, थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाने में जाते थे, ये सारे पैसे बचकर थोड़ी छोटी सी पूंजी बनी है। वो एक तो देश के विकास में काम करना चाहता है और उसके पास पूंजी नहीं है, फिर भी उसको देश के विकास के साथ जोड़ना है, तो इसका एकमात्र रास्ता सहकारिता क्षेत्र है, कोऑपरेटिव है, इसके माध्यम से ही ये 60 करोड़ लोगों को देश के विकास के साथ जोड़ सकते हैं। सहकारिता क्षेत्र ऐसा है जिसमें बड़ी पूंजी वाले बड़े बड़े उद्योगों की स्पर्धा छोटी पूंजी वाले हजारों लोग इकट्ठा कर सकते हैं और मुनाफा हर व्यक्ति के पास जा सकते। मैंने जैसे पहले कहा, अमूल का मॉडल, किसी भी महिला ने 100 रुपये से ज्यादा नहीं निकाला, मगर 36 लाख महिलाएं हैं और वो मुनाफा करने लगा, तो आज 60,000 करोड़ रुपये का व्यापार वो 100 रुपये की पूंजी से करते हैं। तो 60 करोड़ लोग जो देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े ही नहीं थे, वो 60 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र के विकास के अंदर योगदान करना है, विमेन लेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, ग्रामीण विकास को महत्व देकर गांव से शहरों की ओर बढ़ने की गति को
कम करना है और हर व्यक्ति को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ना है तो कोऑपरेटिव इज द ओनली मॉडल जो छोटे से छोटे व्यक्ति को छोटी पूंजी के साथ देश के विकास में योगदान करने का काम करा सकता है। इसलिए मोदी जी ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की स्थापना की और आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये कम समय के अंदर ढेर सारे परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोऑपरेटिव के माध्यम से ग्रामीण अर्थतंत्र और देश के अर्थतंत्र को गति में लाने के लिए किए हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी ढेर सारे काम किए, क्योंकि मैं बता देता हूं ज्यादातर लोग इसी क्षेत्र से यहां पर बैठे हैं, बाद में ग्रामीण क्षेत्र की बात करूंगा। सेटलमेंट का प्रॉब्लम था, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेटलमेंट नहीं कर सकते थे, हमने इस मुद्दे को रिजर्व बैंक के साथ उठाया और अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी सेटलमेंट करने का अधिकार दे दिया गया है। इसके साथ साथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अब नई शाखाएं भी खोल पाएंगे, बैंक मित्र भी बना पाएंगे, माइक्रो एटीएम भी खोल पाएंगे और व्यक्तिगत आवास रेसिडेंशियल लोन देने की इनकी ऋण की सीमा को भी दो गुना कर दिया गया है। और इसके साथ साथ एमएलआई के रूप में भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को शामिल कर दिया गया है और कोलेटरल मुक्त लोन देने का रास्ता अब खुल गया है। ढेर सारे क्षेत्र करे, परंतु आमूलचूर परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हुआ है। हमने तय किया है कि आने वाले 5 सालों में 3 लाख पैक्स नए बनाएंगे और हर पंचायत के अंदर एक पैक्स होगा और ये पैक्स मल्टी डायमेंशनल होंगे। पैक्सी डेयरी का काम करेगा, पैक्सी मछुआरा समिति का काम करेगा, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला पाएगा, पैक्स गैस की एजेंसी भी ले पाएगा, पैक्स जल वितरण का भी काम करेगा, पैक्स सस्ती अनाज की दुकान भी चला पाएगा, पैक्स सस्ती दवाइयों की दुकान भी चला पाएगा और पैक्स भंडारण का भी काम करेगा। तो एक समस्या थी कि पैक्स वायबल नहीं रहे थे, पैक्स की ऋण लेने की और ऋण देने की दोनों सीमाओं को तय कर दिया गया था तो 0.5% 0.25% में पैक्स वायबल नहीं बचे थे। 20 प्रकार की नई गतिविधियां हमने पैक्स के साथ जोड़कर पैक्स को वायबल बनाया। एक मॉडल बायलॉज भारत सरकार ने सभी राज्यों को भेजे और मुझे आनंद है कि 23 राज्यों ने इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स मॉडल बायलॉज को एक्सेप्ट कर लिया है और बाकी जगह भी इसकी समिति बन गई। इसके साथ साथ मल्टी स्टेट ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, देश भर में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और कुदरती खेती करने वाले प्रोड्यूस को जो ऑर्गेनिक होते हैं इसको खरीदने की और विश्व के बाजार में बड़े ऊंचे दामों से बेचने की व्यवस्था ये जैविक सोसाइटी करी। एक मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव भी बनाया जो किसानों के दाम को और उत्पादों को एक्सपोर्ट करेगा, इसका पूरा मुनाफा सीधा किसान के पास ट्रांसफर होगा। और एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बीज समिति के लिए भी बनाया, विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना भी पैक्स के माध्यम से हम आगे चलाने वाले हैं। इसके साथ साथ सहकारिता यूनिवर्सिटी भी बनाने वाले हैं, जैम के माध्यम से सारे कोऑपरेटिव्स की चीजों को बेचने की भी व्यवस्था की है और 1100 एफपीओ भी नए पैक्स के माध्यम से होंगे, पैक्स अब सीएससी का भी काम कर पाएंगे। सहकारिता क्षेत्र के अंदर ट्रेनिंग के मॉड्यूल को भी हमने आमूलचूर परिवर्तन किया है और नई बनने वाली सहकारिता यूनिवर्सिटी के साथ इसको जोड़कर
चाहे बैंकिंग हो, चाहे डेयरी इंडस्ट्री हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे मार्केटिंग हो या एग्रीकल्चर फाइनेंस हो, हर क्षेत्र के प्रोफेशनल कोऑपरेटिव कंसेप्ट को समझने वाले प्रोफेसर प्रोफेशनल्स पैदा करने का काम ये हमारी नई सहकारिता यूनिवर्सिटी करेगी। मुझे विश्वास है कि इससे ग्रामीण अर्थतंत्र के अंदर वो जो 60 करोड़ लोग बिखरे हुए देश भर में बैठे हैं, जिनको अब काम भी करना है, इनके स्वप्न भी जागृत हो चुके हैं, खुद भी कमाना चाहता है, देश के अर्थतंत्र में योगदान भी कराना चाहते हैं, ये सभी 60 करोड़ लोगों के लिए देश के अर्थतंत्र में योगदान करने का एक जरिया इसके माध्यम से खड़ा होगा। हमने ढेर सारे सरकारी बदलाव भी किए हैं, इनकम टैक्स के अंदर कोऑपरेटिव और कॉरपोरेट दोनों को एक समान स्तर पर लाने का काम आजादी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने किया है, टैक्सेशन में एक ही लेवल कर। लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा पुराना डिस्प्यूट और हर साल 3,000 करोड़ की टैक्स की बचत चीनी कोऑपरेटिव मिलों के साथ करने का फैसला भारत सरकार ने किया है। सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया, मैट को 18.5 से 15.5% कर दिया। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब ये कहने आया हूं कि कोऑपरेटिव की गतिविधि को अगर हम समय के साथ बदलकर आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी को कोऑपरेटिव क्षेत्र आत्मसात कर आगे बढ़े तो मुझे पूरा विश्वास है आज के समय में भारत जैसे देश में रोजगारी के साथ अर्थतंत्र के विकास का इसके बड़ा और अच्छा तरीका और कोई नहीं है। इसलिए हमने सभी पैक्स को भारत सरकार के खर्चे से कंप्यूटराइज करने का काम किया है, इसका सॉफ्टवेयर और उसका लेगेसी डेटा भी भारत सरकार के खर्चे से कंप्यूटर में डालकर पैक्स को आगे पर कंप्यूटराइज कर चलाने की पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने की है। आने वाले दिनों में सहकारिता क्षेत्र के अंदर, कोऑपरेटिव क्षेत्र के अंदर ढेर सारे नए कदम उठाए जाने वाले हैं। मैं आज यहां पर जो कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, इन सभी को यही कहने आया हूं कि आप गलती से भी ऐसा मानकर मत चलिएगा कि कोऑपरेटिव इरिलेवेंट हो चुका है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोऑपरेटिव का भविष्य और उज्जवल होने जा रहा है और विश्वास के साथ सहकारिता क्षेत्र ने आगे बढ़ना है और इस देश के 60 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का पुण्य कार्य हमने करना है। मैं एक बार फिर से मुंबई यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुलाधिपति दोनों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि लक्ष्मण राव इनामदार व्याख्यान माला के अंदर आज मुझे यहाँ कर कोऑपरेटिव आज के संदर्भ में इस विषय पर बोलने का आपने मौका दिया। और फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि वकील साहब के नाम पर आपने चेयर प्रस्तापित कर मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को वकील साहब के नाम को आपने श्रद्धांजलि देने का जो प्रयास किया है, इससे बहुत उपकृत किया है। तो मैं फिर से एक बार वो कार्यकर्ता समूह की ओर से भी धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम दूंगा। वंदे मातरम। सर, आपने सहकारिता क्षेत्र का मॉडल मानव केंद्रित है ऐसा कहते हुए सहकारिता क्षेत्र का इतिहास कथन करते करते आज के वर्तमान के आधार पर आगे आने वाले सहकारिता क्षेत्र के भविष्य के उज्जवल और सुवर्ण युग की प्रस्तावना अपने व्याख्यान से की है। आपने सहकारिता क्षेत्र की तरफ देखने का एक